फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और स्टीम इंजन बना के दिखाऊंगा जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से एयर से काम करेगा। इसे आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं और इसे साथ में बिजली भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके साथ में मैंने यहाँ पे एक डायनामो मोटर भी लगाई है जिससे आप साथ में इससे करंट भी बना सकते हैं 12 वोल्ट तक। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब इसे बनाना सीख लेते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए। यहाँ पर मैं एक परफ्यूम की खाली बोतल यूज कर रहा हूँ, एक 12 वोल्ट की डायनामो मोटर, एक 12 वोल्ट का यहाँ पर बल्ब यूज कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके के लकड़ी के पीस, एक पत्ती यूज कर रहा हूँ बोतल को सेट करने के लिए, यहाँ पे स्क्रू और कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे बूट का टुकड़ा और एक जो मेटल की सीट होती है टीन कनस्तर की, वो मैंने यहाँ पे ले लिए ताकि मैं इसके यहाँ पे जो पंखा है वो बना सकूँ। तो पंखे को पहले मैं यहाँ पे गोल शेप को यहाँ पे इसमें काट लेता हूँ, जो पत्ती है उसमें से मैं यहाँ पे जो पंखा है वो काट लेता हूँ। आप कितना भी बड़ा यहाँ पे पंखा लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़ा पंखा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी क्योंकि उससे करंट भी यहाँ पे ज़्यादा बनेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से पहले से पूरी सावधानी से इसे गोल यहाँ पे काट लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसे छोटा बड़ा कितना भी बड़ा यहाँ पे काट सकती हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको इसे एक प्रोपेलर बनाना है। यहाँ पे जो पंखा होता है उसे आपको यहाँ पे बनाना है इसमें से। तो पंखे के लिए आपको कुछ इस तरीके से कैंची से इसे यहाँ पे इस तरीके से काट लेना है। मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूँगा तो आप वीडियो को स्किप मत करना, आप वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना तभी ये वर्क करेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे काट लेना है। आपको यहाँ पे इसकी पंखड़ी यहाँ पे छोटी नहीं करनी है वरना एयर से यहाँ पे नहीं घूमेगी। आपको यहाँ पे कम इससे जो 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे साइज लेना है तब यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करेगा। तो मैंने इसकी जो पंखड़ी है वो यहाँ पे बना ली है और अब यहाँ पे पंखा देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो आपको प्लायर की मदद से इसकी पंखड़ियों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीधा कर देना है ताकि यहाँ पर एयर इसे घुमा सके। इस तरीके से अगर आप इसे लाएँगे तो ये वर्क नहीं करेगा, तो आपको इनकी पंखड़ियों को यहाँ पर मोड़ देना है। तो यहाँ पे जो पंखा है वो बनके कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो पीने वाला पानी होता है वो आपको ले लेना है इसकी स्टीम बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिरिंज की मदद से जो परफ्यूम की खाली बोतल मैंने यूज की है उसके अंदर मैं पानी को डाल देता हूँ। जैसे हम इसे आँच पर गर्म करेंगे तो इसके अंदर स्टीम बनेगी और उसके प्रेशर से यहाँ पर पंखा घूमेगा। तो उसकी पत्ती से मैं यहाँ पर इसे सेट कर देता हूँ स्क्रू की मदद से। कुछ इस तरीके से आपको इसे सेट कर लेना है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसके बाद में फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक जो मेटल का पाइप होता है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। आप इसमें कोई भी पाइप यूज कर सकते हैं, उससे क्या होगा यहाँ पे जो स्टीम है वो पंखे पे यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी। अगर आप बोतल के सामने लाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पर एक छोटा वाला पाइप यूज करना है। पंखे को मैंने डायनामो मोटर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से। मैंने स्क्रू से और एक जो पेन का टुकड़ा होता है उसमें से मैंने यहाँ पर ले लिया है और ग्लू से मैंने सारी चीज़ों को चिपका दिया है। तो यहाँ पर पंखा बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर मोटर को सेट करूँगा और मोटर को आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है जो पंखा है वो पाइप के बिल्कुल सामने आए। तो यहाँ पे मैं ग्लू से चिपका रहा हूँ, आप चाहें तो इसे कील से भी चिपका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन प्रोसेस है वो यहीं पर। तो आपको पंखे को बिल्कुल जो पाइप है उसके सामने सेट करना है ताकि एयर यहाँ पर बिल्कुल नीचे की साइड में पड़े। आपको जो पाइप है उसे आपको बीचा बीच में यहाँ पर नहीं रखना है, बिल्कुल बीच में नहीं रखना है। आपको पंखे के नीचे की साइड में लगाना है या फिर पंखे की ऊपर वाली साइड में लगाना है, तभी यहाँ पर जो एयर का प्रेशर होगा उसकी मदद से यहाँ पर जो पंखा है वो घूमेगा। आप इसमें मोटर छोटी बड़ी लगा सकते हैं। एक और लकड़ी का पीस मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इस पर हम 12 वोल्ट का जो बल्ब होता है उसे चिपकाएंगे। तो आप इसमें कोई भी एलईडी लाइट लगा सकते हैं, 12 वोल्ट का इन्वर्टर लगा सकते हैं जिससे आप एसी लाइट भी बना सकते हैं। तो बल्ब यहाँ पे सेट हो चुका है और कुछ इस तरीके से हमारा जो सिंपल सा इंजन है वो बनके तैयार हो चुका है। आप इसे जनरेटर भी बोल सकते हैं। तो देख पाऊंगे यहाँ पे कहीं से कोई भी ऐसा वायर नहीं है जिससे यहाँ पे जो मोटर घूमे। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप करूंगा, बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा कि यहाँ पे इसके अंदर से स्टीम बाहर निकल रही है कि नहीं और उसकी मदद से यहाँ पे जो पंखा है वो घूमेगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आप बोलेंगे कि एक फेक वीडियो है। ये 100% वर्क के वाला है, आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं और देखते हैं चलिए यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। तो वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत करना, जो मेन प्रोसेस है वो यहीं पे। मैं आपको बिल्कुल लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी इसमें स्टीम बनने देते हैं। स्टीम यहाँ पर थोड़ी सी बनेगी, उससे यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपको कम से कम इसे 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ देना है ताकि जो स्टीम वो काफ़ी तेज़ी से बाहर की साइड में निकले और उसकी मदद से यहाँ पर जो पंखा है वो घूमेगा। तो अभी इसमें थोड़ी सी स्टीम यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली चेक करके दिखाऊँगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो दिए को मैंने यहाँ पर इसके नीचे जला दिया है। तो आपको सारी चीज़ों को बिल्कुल सावधानी से यहाँ पर यूज करना है, देख सकते हैं कहीं से कोई भी ऐसा वायर नहीं है।
वो एयर का प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा बनना स्टार्ट हो चुका है। आप इसे एयर से भी चला सकते हैं, जो एक बोतल में आप हवा भर लेना और उसके बाद में जो साइकिल की पंप होती है उससे भी आप इसे चला सकते हैं, उससे भी वर्क करेगा। चाहे तो आप इसे पानी से भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्टीम इंजन बनाया है जिससे आप भाप से इसे चला सकते हैं। तो देख पाऊँगा यहाँ पर अब इसमें थोड़ी सी स्टीम बनना स्टार्ट हो चुका है। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप यहाँ पर नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया वीडियो को और अभी इसमें स्टीम बनना यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे चेक करके देखते हैं कि हमारा जो स्टीम इंजन है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आपको इसे थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा तब यहाँ पे वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि जो एयर का प्रेशर होगा यानी कि जो स्टीम का प्रेशर होगा उससे यहाँ पे अपने आप घूमेगा। तो आपको थोड़ा सा इसे मूव करना पड़ेगा तब यहाँ पे जो इंजन है वो स्टार्ट होगा। तो अगर आपने बोतल का पाइप ऊपर की साइड में लगाया तो आपको उल्टा घुमाना पड़ेगा, अगर आपने नीचे की साइड में लगाया तो उसे ऊपर की साइड में घुमाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की साइड से प्रेशर बनेगा तब ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा इंजन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और कुछ इस तरीके से अभी ये स्लो यहाँ पे घूम रहा है क्योंकि इसमें अभी स्टीम यहाँ पे कम बन रही है। तो जैसे जैसे इसकी स्टीम यहाँ पे बढ़ती जाएगी उसके बाद में इसकी स्पीड भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। मैं आपको बिल्कुल लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं यहाँ पर कोई बैटरी से इसे चलाऊँगा। तो देख पाऊँगा यहाँ पर जो इंजन है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी यहाँ पर स्टीम थोड़ी सी कम बन रही तो इसलिए ये स्लो घूम रहा है। यहाँ पर मैं आपको इससे बिजली भी बना के दिखाऊँगा कि यहाँ पर करंट कितना बना रहा है। वीडियो को आप थोड़ा सा स्किप यहाँ पर मत करिएगा। तो देख सकते हैं जो यहाँ पे मोटर है वो घूमना शुरू हो चुकी है और यहाँ पे सब कुछ जो स्टीम है उससे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अभी ये बिल्कुल यहाँ पे स्मूथली वर्क कर रहा है और कहीं से कोई भी यहाँ पे वायर नहीं है और ना ही यहाँ पे जो मोटर है वो रुक रही है बीच में, अब यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं आपको चलिए इससे जो बल्ब है उसे जला के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो बल्ब है वो इससे जल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई। तो चलिए अब मैं इससे बल्ब आपको जला के दिखा देता हूँ। जैसे जैसे इसकी स्टीम यहाँ पे बढ़ती जाएगी जो बल्ब है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्लो करेगा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा बनेगी और यहाँ पे जो मोटर है वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे घूमेगी। तो चलिए मैं इसके वायर को जोड़ के आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं मैंने इसका एक वायर यहाँ पर जोड़ दिया है और अभी दूसरे वायर को जोड़ लेते हैं। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो बल्ब है वो भी यहाँ पर ग्लो कर रहा है और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जो दिया है उसकी मदद से यहाँ पे इसमें स्टीम बन रही है और स्टीम से यहाँ पे जो पंखा है वो घूम रहा है और पंखे से यहाँ पे हमारी जो मोटर वो करंट बना रही है। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं, आप बड़े लेवल पर भी इसे बना सकते हैं, बड़ा पंखा लगा के और जो कुकर होते हैं उससे भी आप इसमें पाइप के प्रेशर से इसे घुमा सकते हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ों को बिल्कुल सावधानी से यूज करना है यहाँ पर। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे जो इंजन है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने मिल सके। और फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे स्टीम इंजन के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। डीजल इंजन आप बना सकते हैं, स्टीम इंजन बना सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके।